And welcome back to my channel. Okay, so today we will discuss about John Milton's PYQ previous year questions जो कि TCT, PGT, LT, KVS, REET, SSSB में पुट अप किए जा चुके हैं, ठीक है। और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जिनको आप ध्यान से रीड करेंगे और उन्हें नोट कर लेंगे, ठीक है। इससे हमारा रिवीजन होगा, तो ये PYQ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1, द एज ऑफ मिल्टन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 1, स्काई लॉवर्ड एंड मटरिंग थंडर सम एंड ड्रॉप्स व्हेन वेप्ट एट कंप्लीटिंग ऑफ द मॉर्टल सी। ओके, सो ये जो लाइंस है ये कहाँ से ली गई है, ठीक है, आपको बताना है। स्काई लॉर्ड एंड मटरिंग थंडर, ओके। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पैराडाइज लॉस्ट, डिवाइन कॉमेडी एंड सैमसन एगोनिस्ट। ओके, तो जो एलिमिनेशन थ्योरी होती है उसको हमें वहां पर अपनाना चाहिए, ठीक है, जब भी हम अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो। तो अभी हमें इसमें से एक तो कट ही कर देनी है, क्योंकि डिवाइन कॉमेडी वो मिल्टन की नहीं है, तो ये तो पूरी तरह से रोंग हो जाता है। ओके, अब हमारे पास 3 वर्क हैं जो कि जॉन मिल्टन के हैं, उनमें से हमें चूज करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, सो स्काई लॉर्ड एंड मटरिंग थंडर, इन दिस लाइन जो यहाँ पर स्काई को क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है एज अ ह्यूमन। ओके, तो एज अ ह्यूमन स्काई को पर्सोनिफाइड करते हुए ये तब बोली जाती है जब वहां पर एडम और जो ईव है, एडम ईट्स द एप्पल, और ये लाइंस तब वहां पर स्काई रिएक्ट करता है कि जैसे कि एज इफ ह्यूमन व्हेन एडम ईट्स द एप्पल। ओके, तो वहां पर स्काई ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो ह्यूमन हो। तो एडम, ये हमें पता है फैक्ट्स कि एडम जो एप्पल है वो कौन से वर्क में खाता है, और इस तरह की जो इवेंट्स हैं वो कौन से वर्क में होते हैं, तो पैराडाइज लॉस्ट में। सो करेक्ट आंसर विल बी पैराडाइज लॉस्ट। ओके, सो पैराडाइज लॉस्ट जिसकी थीम टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन है, ठीक है। ये जो वर्क है, ये जॉन मिल्टन का वर्क है जिसमें उन्होंने अपने पोयम में जो इसकी थीम रखी है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, इस इन लाइन में उन्होंने पर्सोनिफिकेशंस का यूज किया है जिसमें जो स्काई है वो अपने आप को एज अ ह्यूमन यहाँ पर कंसिडर करता है। ओके, ये इनका फेमस पोयम, फेमस वर्क हो जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन लिसिडस ऑफ इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लिसिडस की ये जो मिल्टन की लिसिडस है, इसको किसने इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी किसने डिसअप्रूव किया था, ठीक है। ऑप्शंस हियर, सैमुअल जॉनसन, आई रिचर्ड्स, एफ आर लेविस और टी एस एलियट, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो सैमुअल जॉनसन, क्योंकि हमें पता है कि जो सैमुअल जॉनसन है उन्होंने लाइफ ऑफ मिल्टन लिखी थी 1779 में जो आई थी, ठीक है। तो सैमुअल जॉनसन ने लाइफ ऑफ मिल्टन में डिसअप्रूव किया था जो मिल्टन की लिसिडस है इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी में, यानी कि उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। लिसिडस एक एलिजी है, ओके, जिसको मिल्टन ने 1637 में टू लेमेंट द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए लिखा था, यानी कि उन्होंने एडवर्ड किंग जो उनके फ्रेंड थे उनकी याद में, याद में इस वर्क को लिखा था, लिसिडस को लिखा था, ठीक है। और ये जो लिसिडस है 1637 में आई थी, और टोटल नंबर ऑफ लाइंस इसमें हो जाती हैं 193, यानी कि 193 लाइन की ये एक पोयम है जो मिल्टन ने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की याद में उन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड सैटन एज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लोस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो सैटन है उसको किसने एज अ रियल हीरो माना है, हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड सैटन एज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लोस्ट, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, अलेक्जेंडर पॉप, एस टी कॉलरिज, जॉन ड्राइडन एंड टी एस इलियट, ठीक है। तो इनमें से किसने सैटन को रियल हीरो यहाँ पर पैराडाइज लोस्ट में कंसिडर किया है, ये हमने इनकी बायोग्राफी में भी रीड किया था, ठीक है। एस टी कॉलरिज, एस टी कॉलरिज ने जो सैटन है उसको एज अ रियल हीरो यहाँ पर कंसिडर किया है।
ओके सो सैटर्न जो है इसमें मोस्ट कंट्रोवर्शियल और अपीलिंग फिगर है पैराडाइज लोस्ट में, जिसमें एसटी कॉलरिज ने सैटर्न को एज अ रियल हीरो माना है. तो करेक्ट आंसर विल बी एसटी कॉलरिज, जिन्होंने सैटर्न को रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लोस्ट माना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दीज इज नॉट अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स. ओके यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में बताना है. पहले तो यूनिवर्सिटी विट्स होते कौन ठीक है, किसको माना जाता है? ए अ बंच ऑफ बॉयमेन राइटर्स ठीक है, जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हो, और जो जो लिटरेरी कैनवास है या जो लिटरेरी वर्क का कंट्रीब्यूशन है उसमें वो वर्क कर रहे हो, तो उन्हें यूनिवर्सिटी विट्स माना जाता है. ठीक है, तो आपको इसमें से ये बताना है कि थॉमस किड, थॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लोक या बेन जॉनसन, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन इनमें से यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है. सो राइट आंसर इज बेन जॉनसन. ठीक है, बेन जॉनसन हो जाते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं आते थे ये. ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स की यहाँ पर लिस्ट देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं. ओके तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी विट्स यानी कि बंच ऑफ बॉयमेन राइटर्स एसोसिएटेड विद ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. ओके तो कौन कौन आते हैं इसमें? जॉन लिली, थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लोव, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉर्ज पील एंड थॉमस किड. ओके तो ये सभी यूनिवर्सिटी विट्स की लिस्ट में आते हैं. आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन लिसिडस इज अ एन ठीक है, मिल्टन की जो लिसिडस है वो क्या है? ऑप्शन एपिक, एलेजी, ऑड और लिरिक. ठीक है, ये फॉर्म है पोएट्री की. तो आपको इसमें बताना है लिटरेचर की इन फॉर्म्स में कि लिसिडस जो है इनमें से किसे रिलेटेड है. ठीक है, तो यस ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है. लिसिडस जो है एक एलेजी है जो कि 1637 में लिखी गई थी और जिसका पब्लिकेशन 1638 में हुआ था. और ये जो लिसिडस है ये कॉमेमोरेट द डेथ ऑफ एडवर्ड की, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उनकी याद में इसमें इसको लिखा गया था. ठीक है, जिनकी शिपरैक ड्रॉनिंग में डेथ हो गई थी, यानी कि जो शिपरैक हुआ था वो डूब गए थे वहां पर और उनकी डेथ हो जाती है. तो ये जो एलेजी है ये मिल्टन ने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की मेमोरी में लिखी थी. ओके आई होप ये क्लियर हुआ होगा. यस नेक्स्ट. ओके लिसिडस, इसमें लिसिडस शेफर्ड है, शेफर्ड था जो कि वर्जिल्स के एक्लोग से यहाँ पर लिया गया है. ठीक है, लिसिडस जो कैरेक्टर है वो वर्जिल के एक्लोग से उठाया गया है. ठीक है, तो वो एक शेफर्ड शेफर्ड था. लिसिडस इज ऑल्सो नॉन एज मोनोड, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पूछा जा सकता है कि लिसिडस को और क्या किस नाम से जाना जाता है. तो लिसिडस को मोनोडी भी बोला जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट, मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट विद. ठीक है, ऑप्शन की मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट को कैसे स्टार्ट किया था, कैसे करते हैं वो? लेमेंट से, इन्वोकेशन, सॉलिलोकी, लकी, रेफ्रेन. ठीक है, अब ये जो लेमेंट है यानी कि इसका मतलब होता है मौन, इन्वोकेशन, इन्वोकेशन का मतलब होता है यहाँ पर हेवनली म्यूज से, और सॉलिलकी, सॉलिलकी और रेफ्रेन, ये दोनों लिटरेरी डिवाइस हैं है ना जिसको लिटरेचर में यूज किया जाता है. तो सॉलिलकी मीन्स तो मोनोलोग, यानी कि एक जो प्रोटेगनिस्ट टाइप जो कैरेक्टर होता है जब वो अपने डायलॉग बोलता है खुद से ही कि वो किसी दूसरे को ना सुने, तो वहां पर सॉलिलकी होती है. और रेफरेन जब किसी वर्ड का बार बार रिपीटेशन, वर्ड्स नहीं लाइंस का रिपीटेशन होता है तो वहां पर रेफरेन होती है. ठीक है, रेफरेन लिटरेरी डिवाइस होती है. इसको भी हम जब लिटरेरी डिवाइस वीडियो आएगी तो उसमें डिस्कस करेंगे ब्रीफली. ओके सो करेक्ट आंसर देख लेते हैं. करेक्ट आंसर इज इन्वोकेशन. इन्वोकेशन का मींस है यहाँ पर हेवनली म्यूज से. ठीक है, इन्वोकेशन मतलब होता है कि जिसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एपिक पोएट्री, ठीक है, जिसमें एपिक पोएट्री के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उसे इन्वोकेशन कहा जाता है. ठीक है, हेवनली म्यूज की हेल्प से इसके सब्जेक्ट में एक स्टेटमेंट डाला गया है. ठीक है, तो इस एपिक में जो फर्स्ट 26 लाइन है ये भी आप नोट कर सकते हैं. ठीक है, इस एपिक की जो पैराडाइज लोस्ट है, इस एपिक की जो फर्स्ट 26 लाइन है वो इसमें इंक्लूड की गई है पैराडाइज लोस्ट में. और पूरा का पूरा जो स्टेंजा है वो सिर्फ 2 सेंटेंस में लिखा गया है. 26 लाइन का पूरा स्टेंजा सिर्फ 2 सेंटेंस में लिखा गया है. ठीक है, तो ये जो इन्वोकेशन है ये जो क्लासिकल और क्रिश्चियन एपिक है उनके मॉडल पर डिपेंड करता है.
ठीक है। और इस वर्क में पैराडाइज लोस्ट में एडम ईव एंड सैटन चीफ कैरेक्टर्स में है, ठीक है। और इसके बाद मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट के बाद इसका सीक्वल लिखा था पैराडाइज रीगेन, ठीक है, जब वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे तब वो वर्क उन्होंने लिखा था। तो ये नोट करने के लाइक पॉइंट हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्विंग, ठीक है, द वर्ड दैट कंप्लीट्स, कौन सा वर्ड ऐसा है जो इनको कंप्लीट करेगा, ठीक है, इस लाइन को कंप्लीट करेगा कि बेटर टू रेन इन हेल, हेल में रेन करना, हेल में राज्य करना बेटर है देन सर्व इन, ठीक है, सेवा करने से कहाँ, ठीक है। तो ऑप्शन ऑप्शंस आर स्काई, हेवन, अर्थ, मून। राइट आंसर इज हेवन, ठीक है। सैटर्न यहाँ पर ये लाइन बोलता है, ठीक है, यहाँ पर वो बताता है कि बहुत सारी सुप्रीम एम्बॉडीमेंट ऑफ ईविल है। ओके तो यहाँ पर सैटर्न को बहुत सारे नाम भी दिए गए हैं, बहुत सारे नामों से सैटर्न को जाना जाता है। तो कौन कौन से वो नाम हो जाते हैं जिससे सैटर्न फेमस हुआ है, ठीक है, लूसीफर द एनिमी, ठीक है, द एंटी क्राइस्ट, ये नाम याद रखेंगे, सैमल द फॉलन वन एंड डेविल, ठीक है, ये उसके कुछ नाम हैं जिन नामों से सैटर्न को जाना जाता है। इसमें ल्यूसीफर द एनिमी सबसे ज्यादा फेमस है। तो ये जो नेम्स हैं सैटर्न के, इनको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मिल्टन जो है वो प्योरिटन एज से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी फैक्ट्स ध्यान रखने के, कभी कभी क्वेश्चन में पुटअप कर लिया जाता है कि जो मिल्टन है वो किस एज से बिलोंग करते हैं, तो प्योरिटन एज से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज, ठीक है, कौन से, किस लिए वो फेमस थे, नैरेटिव स्टाइल, ड्रामेटिक स्टाइल्स, ग्रैंड स्टाइल, अफोरिस्टिक स्टाइल। वैसे इसको सब जानते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे उनको ग्रैंड स्टाइल के लिए आइडेंटिफाई किया जाता था, ठीक है। मिल्टन मोस्ट फेमस, तो वो अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, ये बात सभी जानते हैं कि जब उन्होंने पैराडाइज लोस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड वगैरह लिखी थी तो उनको उनको उनके ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना गया था, ठीक है, मोस्ट फेमस हो गए थे, ठीक है, उन्होंने जब एपिक को चूज किया था लिखना, ठीक है। और यहाँ पर वो जो उनकी इमिटेशन है वो पेट्रार्क, डांटे और ओबिट से रिलेटेड होती है, ठीक है। जो कीट्स ने उनको रिगार्डेड एज अ ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी भी बोला था, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये भी पुटअप किया जा सकता है कि ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी ये किसने जॉन मिल्टन को बोला था, जॉन मिल्टन के लिए यूज किया था जब उनकी पैराडाइज लोस्ट आई थी, तो जॉन कीट्स, ठीक है, जॉन कीट्स रिगार्डेड एज अ ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी। तो इस चीज को भी हम ध्यान रखेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। ऑप्शन आर पैराडाइज रिगेन्ड, एरियोपेजिटिका, आइक्नोक्लास्ट, सैमसन एगोनिस्ट, ठीक है। तो इनमें से हमें चूज करना है, तो ये राइट आंसर हो जाता है एरियोपेजिटिका, जो कि 1644 में आई थी, ठीक है। एरियोपेजिटिका एक जो वर्क है वो रिलेटेड है प्रेस से, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड ये वर्क, एक कैंपेन चलाया जा रहा था, ठीक है, जो फ्रीडम कैंपेनर्स थे जैसे जॉन लिलबर्न, ठीक है, जो कि पावरफुल थे, कॉल अगेंस्ट सेंसरशिप, ठीक है। इसमें क्या था कि वो चाहते थे कि जो फ्रीडम है प्रेस को, फ्रीडम होनी चाहिए जिससे कि वो गलत के खिलाफ आवाज उठा सके या फिर अपने व्यूज को रख सके, तो ये कैंपेन्स चलाया जा रहा था, इस नाम को भी ध्यान रखेंगे। ये जो कैंपेनर्स थे कौन थे, ये जॉन लिलबर्न, इनके द्वारा ये कैंपेन चलाया जा रहा था। तो उस टाइम पर जॉन मिल्टन ने इस वर्क को लिखा था एरियोपेजिटिका, ठीक है, जो कि 1644 में आई थी। ओके तो ये भी ध्यान रखने योग्य हो जाता है, ठीक है। तो जॉन मिल्टन जो है एक सिविल सर्वेंट थे, 1645 में जॉन लिलबर्न जो थे उन्होंने एंटी सेंसरशिप पैम्फलेट लिखे थे, ठीक है, तो उसके बाद ही जॉन मिल्टन ने ये एरियोपेजिटिका नाम का वर्क लिखा था, ठीक है, जिससे कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस वहां पर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लोस्ट इज रिटन इन, ठीक है, पैराडाइज लोस्ट के बारे में बात की गई है कि वो किस में लिखी गई है, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, राइम्ड वर्स, नन ऑफ द अबव। ये जनरल से क्वेश्चन है, एक्चुअली क्या होता है, कंफ्यूजन होता है जब एग्जाम में बहुत सारी चीजों को हम एक साथ पढ़ लेते हैं, तो वहां पर जो जनरल से क्वेश्चन है, कॉमन से क्वेश्चन है, वो भी रॉन्ग हो जाते हैं, तो इनको हमें बार बार रिपीट कर लेना चाहिए, ठीक है, इनको बार बार पढ़ लेना चाहिए। तो पैराडाइज लोस्ट किस में लिखी गई थी,
ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी, ठीक है। यानी कि ये ओरिजिनली जो इश्यू हुई थी वो 10 बुक्स में हुई थी इन 1667 में, और फिर बुक 7 और बुक 10 दोनों को स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में इसको पब्लिश करा गया था 12 बुक में, ठीक है। सेकेंड एडिशन जो आया था 1674 में, ठीक है। 1667 में ये 10 बुक्स में आई थी, और जो सेकेंड एडिशन आया था 1674, ये 12 बुक्स में पब्लिश कराई गई थी, ओके। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, पैराडाइज लॉस्ट जो कि ब्लैंक वर्स में आई थी, ब्लैंक वर्स में लिखी गई एक लिखा गया एक वर्क है, ठीक है। तो जो एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके बारे में कि जो मिल्टन्स की जो पैराडाइज लोस्ट है वो रिलेटेड है मैरी शेली के फ्रेंकेस्टीन से, ठीक है, फ्रेंकेस्टीन से ली गई है। और ये पैराडाइज लोस्ट की जो ये 12 बुक्स है ये जो वर्जिल्स का एनीड मॉडल है उसको फॉलो करती है। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे कि जो पैराडाइज लोस्ट है वो वर्जिल्स के एनीड के मॉडल को फॉलो करती है, ठीक है, जिसमें मिल्टन ने ह्यूमन काइंड के क्रिएशन को एक्सप्लोर किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, व्हाट अदर इवेंट इज पिक्यूलर इन द ईयर। ऑप्शंस, पब्लिश्ड कॉमर्स, मैरिड, नेक्स्ट हिज वाइफ डेड, स्टार्टेड पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। तो 1652 में जो जॉन मिल्टन है वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे, ठीक है, अंधा अंधे हो गए थे वो 1652 में। तो कौन सा दूसरा इवेंट ऐसा हुआ था, ठीक है। तो 1652 में हम देख लेंगे उनकी जो वाइफ है मैरी पॉवेल, उनकी डेथ हुई थी, ठीक है, कैसे, ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग हर चाइल्ड बर्थ। जब वो उनकी बेबी को जन्म दिया था तो उस कॉम्प्लिकेशन के चलते जो उनकी वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ, उनकी डेथ हो गई थी 1652 में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है कि हिज वाइफ डेड। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे। तो प्रीवियस ईयर की ये जो तो उनकी जब वाइफ की डेथ हो जाती है 5th में 1652 को, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन के ड्यूरिंग, तो कुछ दिन बाद ही जून 1652 में मिल्टन का जो 1 ईयर ओल्ड सन जॉन है उसकी भी डेथ हो जाती है। तो जो ये 1652 है इसी दौरान वो ब्लाइंड भी हो जाते हैं, ठीक है, ब्लाइंडनेस आ जाती है उन्हें। तो इसी ईयर में मींस उनको बहुत सारे पर्सनल लॉसेस इस ईयर को माना जाता है 1652 को, ठीक है। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस फैक्ट्स को आप इन फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द ईयर 1637 मिल्टन कन्फाइडेड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम मॉन्यूमेंटल पोएटिकल वर्क, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि जो 1637 था जिसमें मिल्टन ने अपने फ्रेंड को फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग मॉन्यूमेंटल पोएटिकल वर्क के लिए उनको कन्फाइडेड किया था, मींस उनको शायद द नेम ऑफ हिज फ्रेंड टू हुम दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन। तो उनके फ्रेंड का नाम बताना है कि जिसने उनकी उनकी इस इंफॉर्मेशन को वहां पर दिया था। कौन थे उनके फ्रेंड? एडवर्ड किंग, डियोडाटी, ठीक है, हेनरी लॉस और विलियम शेक्सपियर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं चारों ही जॉन मिल्टन से कनेक्टेड हैं, तो हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। एडवर्ड किंग नहीं हो सकते क्योंकि वो उनके फ्रेंड थे जिनकी याद में उन्होंने एक लेमेंट लिखा था, लिसिडस को लिखा था, ठीक है। डियोडाटी नहीं हो सकते क्योंकि वो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे, इनकी याद में भी उन्होंने एक वर्क लिखा था एपिथैलेमियम, और हेनरी लॉस, हेनरी लॉस है आंसर, करेक्ट, यही हो जाता है। विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर को वो उन्होंने उनकी प्रशंसा की थी और उनकी याद में एक एपिटेफ लिखा था, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, हेनरी लॉस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है कि हेनरी लॉस उनके एक फ्रेंड थे जिन्होंने क्या किया था, मोस्ट सेलिब्रेटेड कंपोजर थे इंग्लैंड में, और उन्होंने कुछ मॉन्यूमेंटल पोएटिकल वर्क जो थे उनकी इंफॉर्मेशन उनके द्वारा दी गई थी, ओके। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ओके। तो इन नोट्स को आप प्रिपेयर कर लेंगे और अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखेंगे।